Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. Last video में हमने आपको exercise 11.1 के question number 3 तक बता दिए थे. आज चलते हैं next question 4 की ओर. In which we have to construct an isosceles triangle whose base is 8 cm and altitude 4 cm. Then another triangle whose sides are 1.5 times of the corresponding sides of the isosceles triangle. यानी एक isosceles triangle बनाना है आपको, जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड इस आइसोसेल ट्रायंगल की 1.5 टाइम हो. यानी ये आपका स्केल फैक्टर हो गया और ये हमारा बेसिक मेजरमेंट दी हुई है आइसोसेलस ट्रायंगल की. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आइसोसेलस ट्रायंगल बनाने के लिए उसका बेस खींचते हैं 8 सेंटीमीटर का. अब हमें इसका एल्टीट्यूड खींचना है. एल्टीट्यूड जो आइसोसेलस ट्रायंगल होता है उसका एल्टीट्यूड होता है वो बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. इट मींस हमें इसका पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है बीसी का. तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे कंपास में और एक आर्क लगा देंगे आप इस तरीके से, एक ऐसे और एक दूसरा ऐसे, राइट. फिर उसी रेडियस से आप सी को सेंटर मानेंगे और एक आर्क लगा देंगे आप ऐसे और एक आर्क लगा देंगे आप ऐसे, ठीक है. ये दोनों जहां कटेंगे उनको मिलाती लाइन हम खींच देंगे इसको, राइट. ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा इस साइड का बीसी का. ये मान लीजिए पॉइंट आपका डी है. अब D से हमें एल्टीट्यूड कट करना है 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर कट कर लीजिएगा इसमें, 4 सेंटीमीटर होगा वो इसका जस्ट हाफ होगा क्योंकि 8 सेंटीमीटर है इसका, ये 4 सेंटीमीटर आपका. यानी ये हमारा वर्टेक्स हो गया A, राइट. अब A को C से मिला देंगे और ये A को B से. ट्रायंगल ABC इज एन isosceles triangle whose base is 8 cm and altitude 4 cm, right? अभी हमारा एक ट्राइंगल बन गया. अब हमें इसके सिमिलर ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड इसकी साइड का 1.5 टाइम हो. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम अब हमारा ये ट्राइंगल बन गया, उसके सिमिलर ट्राइंगल बनाना है जिसका स्केल फैक्टर 3.2 होगा. सिंपल सी बात ये समझिए, अब आपको एक ट्राइंगल दिया हो तो इसके साथ क्या करेंगे आप, एक एक्यूट एंगल बनाती लाइन खींच देते हैं नीचे, राइट. अब इसमें 3.2 में ज्यादा कौन से हैं, 3 है, ठीक है. तो 3 पॉइंट इसमें लेते हैं एट द इक्वल डिस्टेंस 1, 2 और ये 3. दिस इज V1, V2, V3. अब ज्वाइन किसको करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है ज्वाइन कर देते हैं, 2 है तो 2 को C से ज्वाइन कर देंगे आप इसे, 2 को C से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है. अब हमें इसके 3 जो न्यूमरेटर वहां से पहला खींचने हैं, V3 से पहला खींचनी है, तो डेफिनेटली आपको इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट. अब आपको क्या करना है, इसके पैरेलल लाइन खींचनी है. तो क्या करेंगे, जो एंगल आपका यहाँ बन रहा है वही एंगल आप यहाँ बना देंगे, या इधर बना है वो इधर बना देंगे, बात एक ही है. यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर देंगे तो लाइन पैरेलल हो जाएगी. ये कंपास में भर लेंगे और यहां से इसमें कट कर देंगे, ये लाइन इससे मिलाती लाइन खींचेंगे तो ये इसके पैरेलल ही होगी. ये देखिए ये जहां जाके कट करती है ये पॉइंट हमारा सी डैश होगा, सी डैश होगी. अब सी डैश से एसी के पैरेलल लाइन खींचनी है तो डेफिनेटली आपको बीए को प्रोड्यूस करना होगा, BA को प्रोड्यूस कर दिया, BX, दिस इज BY एंड दिस इज BZ.
अब हम क्या करेंगे इसमें, हमें एसी के पहले दीजिए तो जो एंगल आपका यहां बनना है वही एंगल हमें इधर बनाते हैं, ठीक है। हम पास में ये डिस्टेंस हम भर लेंगे, ठीक है, और यहां से इसमें से कट करते हैं। इसको इससे मिला के ना दीजिए तो डेफिनेटली इसके पहले ही हम खींचे, ये देखिए जहां जाके कट करती है ये पॉइंट हमारा ए डैश हो जाएगा, दैट इज ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए बी ए डैश बी सी डैश सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इसके लिए आप स्टेप्स लिखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ गिवन ट्राइंगल, ड्रॉ गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी एंड मेक एन एक्यूट एंगल, मेक एन एक्यूट एंगल बी सी सी बी एक्स, पॉइंट नंबर टू टेक थ्री पॉइंट्स बी वन कॉमा बी टू एंड बी थ्री ऑन बी एक्स एट इक्वल डिस्टेंस, राइट। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर थ्री ज्वाइन बी टू सी एंड ड्रॉ पी थ्री सी डैश पैरेलल बी टू सी विच कट्स प्रोड्यूस्ड बी सी एट सी डैश, पॉइंट नंबर फोर ड्रॉ ए डैश सी डैश पैरेलल ए सी विच कट्स प्रोड्यूस्ड बी ए एट ए डैश, पॉइंट नंबर फोर फिफ्थ सॉरी ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी इज ए इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, That we have to draw. ये हमें ड्रॉ करना है। After that, your question number 5, in which we have to draw a triangle ABC with sides BC equal to 6 cm, AB equal to 5 cm and ABC equal to 60 degree. Then construct a triangle whose sides are 3 upon 4 of the corresponding side of the triangle ABC. यानी पहले ट्राइंगल ABC बनाना है जिसकी मेजरमेंट BC इक्वल टू 6 AB इक्वल टू 5 एंड एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री है, इसके लिए फैक्टर आपका 3/4 दिया हुआ है। अब हमें पहले सबसे पहले ट्राइंगल ABC बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए, ठीक है। अब B पर हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री का, ABC हमारा 60 डिग्री का एंगल, एक रफ फिगर बना के देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा, ए बी सी ये 6 है, ये आपका 5 है और ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो बी पर आप कितने डिग्री एंगल बनाएंगे,
60 डिग्री के एंगल बनाने। 60 डिग्री एंगल बनाना आपको पहले से ही आता है, प्री क्लास में सीख चुके हैं 60 डिग्री एंगल बनाना, नहीं तो फिर सीख लीजिए। एक आर्क लगाएंगे और उसी रेडियस से आप यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से ही हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये हमने 60 डिग्री का एंगल बना के लाइन खींच दी और बीसी हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। अब हमें ए बी कितना चाहिए 5 सेंटीमीटर, यानी इसमें से 5 सेंटीमीटर कट कर लेंगे इस तरीके। ये पॉइंट आपका हो गया ए और ये को सी से मिला दीजिए तो हमारा ट्रायंगल एबीसी बन गया। राइट, ये हमारी 5 हो गई, 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और ये एंगल हमारा 60 डिग्री। ये हमने ट्रायंगल एबीसी बना लिया। अब हमें इसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जिसका स्केल फैक्टर 3/4 है। तो सेम उसी तरीके से एक एक्यूट एंगल बना दिया, लाइन खींच देंगे BX। अब इस पर मैक्सिमम कौन है 4 है, तो 4 इक्वल स्पेस के साथ इक्वल डिस्टेंस के साथ 4 पॉइंट ले लेंगे B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 और फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 4 है, 4 को लास्ट से मिला देंगे, ये पॉइंट आपका B4 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर में 3 है, तो 3 से यानी 3 पॉइंट से पहला लाइन खींचने है इसके, B4C के पहला लाइन हमें खींचनी है B3 से। क्या करेंगे, जो एंगल B4C पर B4 पर बनना है वही हम यहाँ पर बना देंगे। क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे आप यहाँ से, फिर उसी रेडियस से आप एक आर्क यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, फिर ये मेजरमेंट जो एंगल बनता है उसको मेजर कर लेते हैं, आप लेते हैं, फिर यहाँ से हम इसमें और इसमें से कट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पर इससे मिलाती लाइन खींच दो तो इसके पैरेलल ही होगी। ये हमारे इसके पैरेलल लाइन हुए जो बीसी को सी डैश पर काटती है। अब सी डैश से एसी के पैरेलल लाइन खींचनी है, सेम प्रोसेस वही है जो अभी किया था, एंगल के इक्वल एंगल बनाना। अब यहाँ से कंपास में कोई लेडीज देंगे, सूटेबल लेडीज देके आर्क लगा देंगे, आर्क लगा दी उसी रेडियस से आप यहाँ से आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब ये कंपास में यहाँ से यहाँ तक भर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसमें से कट कर लेंगे, यानी एंगल के इक्वल एंगल बनाना। अब इसे मिला के लाइन से खींच दीजिए तो आपका लाइन पैरेलल लाइन हो जाएगा। राइट, ये जहाँ जाके कट करता है वो पॉइंट आपका ए डैश है, ए डैश बी सी डैश ट्राइंगल, ए डैश बी सी डैश सिमिलर ट्राइंगल ABC। आपने ABC बनाया था, बट यहाँ आइसोसेलेस नहीं था, तो हम क्या लिख देंगे, ड्रॉ अ गिवन ट्राइंगल ABC, फिर इसके बाद एंड मेक एन एक्टिव ट्राइंगल CBX एंगल बनाया था हमने। इस पर टेक 3 नहीं, अब कितने लिए हमने यहाँ 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट B1 B2 B3 एंड B4 B1 B2 B3 एंड B4 ऑन BX एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर लिए, जॉइन B2C नहीं जॉइन किया आपने, क्या किया B4C एंड ड्रॉ B3C' पैरेलल B4C। राइट, B3C' पैरेलल B4C विच कट प्रोड्यूस नहीं, विच कट प्रोड्यूस नहीं, फिर वहां फिर क्या आएगा, क्योंकि प्रोड्यूस हुआ नहीं, विच कट BC एट सी डैश, ड्रॉ ए डैश सी डैश पैरेलल टू AC विच कट प्रोड्यूस नहीं, विच कट्स BA एट ए डैश। इसके बाद ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये हमें ट्राइंगल बनाना था। इस तरह से हमारा ये ट्राइंगल बना, ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश
A dash B C dash similar triangle ABC is a required triangle. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 82 79 45 25 37. That question number 6, in which we have to draw a triangle ABC with side BC equal to 7 cm, angle B equal to 45 degree and angle A equal to 105 degree. Then construct a triangle whose sides are 4 upon 3 times the corresponding sides of triangle ABC. Simple, so उसी तरीके से measurement दी, उसे triangle बनाना है और स्केल फैक्टर दिया 4.3, इससे हमें उसके सिमिलर ट्रायंगल खींचना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम रफ कर बनाया है, यहाँ पर देखिए एंगल ए दिया है, बी दिया है और ये बी सी दिया हुआ है। अगर आप ये ट्रायंगल बनाना है तो आपको एंगल सी होना चाहिए पता, अगर एंगल सी पता तब तो आप इसको ट्रायंगल को बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। एंगल बनाने में क्रिटिकल होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले एंगल सी फाइंड करते हैं इसका। अब ये लिखेंगे सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, का ऐसे एंगल सम प्रॉपर्टी से एएसपी से, देयरफॉर ए हमारा 105, बी हमारा 45, सी हैव टू फाइंड इक्वल टू 180, एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, दोनों प्लस कर देंगे तो 150, दैट इज सी होगा हमारा 30 डिग्री, सी की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री होगी। अब हम इजीली इसको बना सकते हैं, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर खींच लेंगे, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर राइट। इसके बाद बी पर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो कंपास से भी बना सकते हैं और प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हैं, आप जैसे आप सूत्र में समझे वैसे बना सकते हैं, क्योंकि प्रोट्रैक्टर से बनाया जा सकता है इसलिए हमें प्रोट्रैक्टर से ही बनाना चाहिए। देखिए ये एंगल हमारा, एक पहले 90 बनाएंगे आप इसमें, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और इसका हाफ कर देंगे तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। हाफ के लिए आप जानते हैं यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, दूसरा आर्क ये 90 वाले पॉइंट से आर्क लगा देंगे, ये यहाँ से 90 वाले ठीक है इस पॉइंट से, अब ये दोनों जहाँ कटते हैं उसको मिलाते ही लाभ खींचते तो आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा ठीक है। ये हमारा 45 डिग्री, और सी पर बनाना है हमें 30 डिग्री के एंगल, 30 डिग्री के लिए सेम वैसे 60 बनाइए और उसका हाफ कर दीजिए, यहां से हाफ कर देंगे तो ये 30 बन जाएगा, इसको मिलाते मिला दीजिए तो 30 डिग्री का होगा। राइट, ये पॉइंट जहां कटता है वो ए होगा और ये एंगल ऑटोमेटिकली 105 का ही होगा। चलिए ये आपका 30 दिखा दिए, अब हमारा ट्रायंगल एबीसी तो बन गया। अब क्या करना है, हमें इसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जिसका स्केल फैक्टर को दिया 4/3, तो सेम वही प्रोसेस है, क्या करते हैं आप एक एक्टिव ट्रायंगल बनाते हुए नीचे की ओर खींच देते हैं ठीक है। डी एक्स हमारा 4/3 में 4 जा रहा है तो 4 पॉइंट इस पर ले लेंगे, 1 2 3 4, यानी B1 B2 B3 B4 इसको मिलाएंगे हम यहाँ पर 3 को डिनोमिनेटर मिलाते हैं, यानी B3 C हम ज्वाइन कर देंगे ठीक है। B3 C ज्वाइन करने के बाद BC को प्रोड्यूस कर देते हैं, इधर BA को भी प्रोड्यूस कर देंगे, BX, BY और ये BZ। अब हम B3C के पहला लाइन B4 से खींच देंगे, पहला लाइन खींचने के लिए हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो ये जो एंगल बनना है एंगल बनाती लाइन खींच दो, पहला लाइन ऑटोमेटिक हो जाती है
इसमें से ये मेजर कर लें, उतना ही आप यहाँ से मेजर कर लें। ये इसको मिला दी लांग जीतने की, जहां कट करेगा वो पॉइंट हमारा सी डैस हो जाएगा। सी डैस से एसी के पहले लांग जीतनी, तो 30 डिग्री एंगल बना, वो 30 बना दीजिए तो कल लांग हो जाएगी, राइट। या तो एंगल ट्रिपल एंगल बना लीजिए, या 30 डिग्री एंगल है तो आप 30 यहाँ बना दीजिए तो आपको हो जाएगा। इसको इससे मिला दी लांग जीतो 30 डिग्री का, तो ये एंगल ये आपका इससे लाती ना कीजिए, ये राइट ए डैश। इस तरह से हमारा ये सी डैश ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इस टाइप उसी तरीके से जो अभी हमने लिखे थे वैसे लिख देंगे, ऐसे जैसे करके जाते हैं अपनी ऑन लैंग्वेज में, इसको हम लिख देते हैं। सबसे पहले हमने क्या दिया था, ड्रॉ गिवन ट्राइंगल एबीसी, एंड मेक एन एक्यूट एंगल सी बी एक्स, पॉइंट नंबर टू टेक फोर पॉइंट्स बी वन कॉमा बी टू कॉमा बी थ्री एंड बी फोर ऑन बी एक्स एट इक्वल डिस्टेंस। पॉइंट नंबर थ्री क्या करेंगे, ज्वाइंट लास्ट पॉइंट वाला थ्री था, इसको ज्वाइन किया था बी थ्री सी एंड ड्रॉ बी फोर सी डैश पैरेलल बी थ्री सी विच कट्स बी सी एट प्रोड्यूस्ड बी सी, कट्स प्रोड्यूस्ड बी सी एट सी डैश। पॉइंट नंबर फोर क्या किया हमने इसके बाद, ड्रॉ ए डैश सी डैश पैरेलल ए सी विच कट्स प्रोड्यूस्ड विच कट्स प्रोड्यूस्ड बी ए एट ए डैश। और नंबर फाइव ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। That we have to draw. यानी ट्राइंगल ए बी सी डैश सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी इज ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल। After that, your question number 7, in which saying that draw a right triangle in which the sides other than hypotenuse are of length 4 cm and 3 cm. Then construct another triangle whose sides 5/3 times the corresponding sides of the given triangle. यानी एक राइट ट्राइंगल लिया जिसकी दो साइड्स, टू साइड्स अदर देन हाइपोटेनस के अलावा टू साइड्स दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, और एक दूसरा ट्राइंगल आपको बनाना जिसकी साइड इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का 5.3 हो। इट मीन दिस इज अवर स्केल फैक्टर एंड दिस इज द साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल अदर देन हाइपोटेनस। तो पहले हमने एक रफ फिगर बनाया ट्राइंगल एबीसी, इसके लिए फिगर फिगर बनाएंगे आप। पहले BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, राइट। BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। B पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है आपको,
90 डिग्री का एंगल बनाना। बी पर 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, इस पर आपका ये 4 सेंटीमीटर और ये भी आपका 3 सेंटीमीटर, यानी इसमें से 3 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। ये आपने 90 डिग्री के एंगल में आपकी लाइन खींची है, ये आपका 3 सेंटीमीटर ए बी, और ए को सी से ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ट्रायंगल एबीसी बन जाएगा, जिसकी साइड हमारे पास मेजरमेंट दी हुई है। एसी आपको मिल गया, ट्रायंगल एबीसी बन गया। अब इसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जिसका स्केल फैक्टर 5/3 है, तो सेम वही प्रोसेस है, डी के साथ एक एक्यूट एंगल बनाते हैं, लंबी देंगे हमारा ज्यादा कितना 5 है, 5 पॉइंट लेंगे इस पर, 1 2 3 4 5, दिस इज b1 b2 b3 b4 एंड b5। ज्वाइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज्वाइन करते हैं B3C, राइट। अभी हमें बाहर की ओर प्रारंभ बनाना पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस कर देंगे, dx dy, और इसको भी प्रोड्यूस कर देंगे। से आगे बढ़ा दीजिए आप, अब इसके बाद B5 से B3C के पैरेलल लाइन खींचनी है, अब जो एंगल बना हुआ था एंगल बना दीजिए और उसकी पैरेलल लाइन हो जाएगी। इसके बाद ये मेजर कर लेंगे इसमें से और इसमें से कट कर लेंगे, ठीक है। G5C को मैं आती लाइन खींच दीजिए इस पॉइंट से, ये हमारी यहाँ कट करेगी, वो पॉइंट हमारा सी डैश हो जाएगा, राइट। अब सी डैश से AC के पहले लाइन खींचते हैं, AC के पहले खींचनी है, तो ये जो एंगल यहाँ बनना वो एंगल बना दीजिए, ये उतना ही आप ले करके आप यहाँ से आगे लगाइए, ठीक है। अब ये मेजरमेंट आप यहाँ से मेजर कर लीजिए कितना स्पेस आ रहा है, ये डिस्टेंस, इसमें से इसको कट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसको इससे मिलाती लाइन खींच दिए तो हमारी पैरेलल लाइन हो जाएगी, राइट। ये जहां जाके कट कर दिए, ये पॉइंट आपका ए डैश हो गया, दिस इज एंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल ट्राइंगल, यानी ए डैश बी सी डैश, ये ट्राइंगल हमारा इस वाले ट्राइंगल का इक्वल ट्राइंगल होगा। हम इसको अपनी पेंसिल से दोबारा कर देंगे तो डार्क हो जाएगा, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि हमने ये इक्वल ट्राइंगल बनाया है, ठीक। इस तरीके से अगेन इसको ड्रॉ कर देंगे, डार्क पेंसिल अगर है तो उसे कर सकते हैं, ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश करें। अब आते हैं स्टेप्स की ओर, सेम वैसे ही ड्रॉ द गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड मेक एन एक्टिव ट्राइंगल सी बी एक्स, वही है, टेक 4 की जगह कितना पॉइंट लिए 5 पॉइंट पॉइंट्स B1 B2 B3 B4 एंड B5, ऑन डी एक्स एट इक्वल डिस्टेंस, ज्वाइन B3C, इसमें भी B3C को ज्वाइन किया था, एंड ड्रॉ B5C डैश पैरेलल, इसके पहले खींचा था आपने B5C डैश पैरेलल B3C विच कट प्रोड्यूस BC एट C डैश, ओके। ड्रॉ A डैश C डैश पैरेलल AC विच कट्स प्रोड्यूस BA एट A डैश, ओके। ट्राइंगल A डैश B C डैश सिमिलर ट्राइंगल ABC इज द
to cut and glue. This is the same the construction of this the previous question is tarike se. With it, your exercise finished. आज के लिए वीडियो में इतना ही. जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. जिन छात्रों ने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ऐसा वीडियो क्रम बतरीके से पहुंचते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव ए गुड डे.